प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और डेली सेंटेंसेस सीख रहे होंगे, शिद्दत से सीख रहे होंगे और अपनी डायरी रजिस्टर वॉट एवर आपने जो भी बनाया हुआ है उसमें लिख भी रहे होंगे, सो दैट कि जब कभी भी आप कोई चीज़ भूले और आपको लगे कि हाँ भाई ये तो मैं भूल गया हूँ, कहाँ से सीखा जाए, तो आपको फिर से वीडियो टटोलने की जरूरत ना पड़े, किताब रेफर करने की जरूरत ना पड़े, गूगल बाबा की हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि गूगल बाबा ट्रांसलेट करते हैं, वो जैसे कि हिंदी का इंग्लिश बनाते हैं, एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा वो नहीं बता पाएंगे, वो हिंदी का इंग्लिश बनाते हैं। तो आप इस तरीके से वहां जाएंगे तो यू कैन बी मिसगाइडेड। आप अपने, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा डायरी या रजिस्टर मेंटेन करके लिखे और वो आपके काम आने वाली चीज है। आप पढ़ेंगे, आपके छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, आज से 20 साल बाद भी आपको पढ़ना होगा तो यू कैन रेफर दैट रिटन मटेरियल, ठीक है ना? तो हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 39 और देखिए आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, किन किन सेंटेंसेस को आज हम सीखेंगे और अपने डेली यूज सेंटेंसेस में ऐड कर पाएंगे इसको। लेट्स स्टार्ट। अब ये दीदी ऐसा मुंह क्यों बना रही है? जैसे ये इनका एक जेस्चर है, एक एक भाव है, ठीक है ना? तो इस प्रकार का जो भाव है, तो इस प्रकार के भाव को आप क्या कह सकते हैं कि भाई ये इतना सड़ा सा आलू सा मुंह बना रखी है इन्होंने, ये इस प्रकार का जो शक्ल होता है, फेस होता है, अक्सर लड़कियां मतलब इस प्रकार का बनाती हैं, तो हम किस प्रकार का मतलब उनका बिहेवियर होता है और किस नेचर की होती है आप बता सकते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, एट द लास्ट पूरा वीडियो देखिए, मैं बता दूंगा कि इस प्रकार का जो एटीट्यूड है वो किस तरीके से होता है, ये हम लास्ट में देखते हैं कि मतलब क्या है एक्चुअली, व्हाट मतलब मैसेज शी वांट्स टू कन्वे, ठीक है ना? तो हम देखेंगे और सीखेंगे, अभी आपको बताएंगे। वैसे आपने कुछ तो आइडिया लगा लिया होगा कि भाई वेदर शी इज एंग्री, क्या गुस्से में है? ऐसा तो नहीं लगता, गुस्से वाली तो नहीं लग रही है, ये एटीट्यूड है कुछ तो, ऐसा कुछ तो लग रहा है, एरोगेंट है ऐसा कुछ तो देखते हैं। और वेदर शी इज हैप्पी, खुश है क्या? खुश तो बिल्कुल नहीं है, इस ये जो टमाटर जैसा, पिचके हुए टमाटर जैसा मुंह बना रखी है, सड़े हुए टमाटर जैसा लग तो नहीं रहा है। तो लेट्स सी क्या है। हो, कितने घमंडी हो आप, इसका एक्चुअली ये है, इसका मतलब इस प्रकार से मतलब एरोगेंस है उसमें, मतलब कितने घमंडी हो आप। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, हम इसको सीखेंगे आने वाले वीडियोज में, आगने वाले वीडियोज में नहीं, मतलब कुछ एक मिनट के बाद आप जान ही जाएंगे। अब तुम हद पार कर रहे हो, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स, ठीक है ना? अब तुम हद पार कर रहे हो तो आप क्या बोलेंगे, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। और एक चीज और देखो, अब कोई भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ तो अपने आप ही तीन चार सेंटेंस मुझे याद आ जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, और वो आप जानते भी होंगे, अगर आप वीडियो पार्ट नंबर 1 से लेकर सारे पार्ट्स देख रहे हो तो आप अभी बताएंगे। अपने अपने औकात में रहो, अपने औकात में रहो या अपने मतलब लिमिट्स में रहो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैन यू राइट? यस, बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर लिमिट्स, आगे बात सुनिए। और तुम हद पार मत करो तो यू विल से डोंट क्रॉस योर लिमिट, ठीक है? आसमान बादलों से घिरा है, द स्काई इज ओवरकास्टेड, आजकल बारिश का मौसम है तो क्या बोलेंगे, द स्काई इज ओवरकास्टेड, ठीक है? नेक्स्ट, वह हंस पड़ी, वाह वाह वह हंस पड़ी, जैसे कोई लड़की है अगर देख के हंसती है, चाहे आप किसी का वर्णन कर रहे हैं, किसी नायिका का वर्णन कर रहे हैं कि वह नायिका मुझे देखकर हंस पड़ी, तो आप क्या कहेंगे, शी बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग, शी बर्स्ट आउट लाफिंग, शी बर्स्ट आउट लाफिंग, ब्रस्ट नहीं है ये, बर्स्ट, शी बर्स्ट आउट लाफिंग, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, आई डिडंट एवर थिंक ऑफ इट, आई डिडंट एवर थिंक ऑफ इट, ये होता है डिड नॉट, ये क्या होता है, डिड नॉट, तो डिडंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आई डिडंट एवर थिंक ऑफ इट,
वह जल्दी में लिया गया फैसला है। इट वॉज अ हेस्टी डिसीजन। हेस्टी मीन्स क्या होता है? फास्ट, जल्दी। ठीक है, तो बोलेंगे इट वॉज अ हेस्टी डिसीजन। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। कम ऑन, किसी को जैसे बुलाना है डांस के लिए, तो हम बोल रहे हैं कि भाई आ जाए यार, डांस करते हैं, लेट्स डांस। तो फिर वो नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे? प्लीज ज्यादा भाव मत का, डोंट एक्ट सो प्राइसी। ठीक है ना, ज्यादा शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरस मी। एम्बैरस की स्पेलिंग देख लीजिए, EMBARRASS, एम्बैरस मी। मुझे पहले देखना होगा, अरे ये कहाँ से आया? देखो इधर आया और इधर से आया। मुझे पहले देखना होगा, आई विल हैव टू चेक फर्स्ट, आई विल हैव टू चेक फर्स्ट। समय हर घाव भर देता है, टाइम हील्स एवरीथिंग। क्या बोलेंगे आप? टाइम हील्स एवरीथिंग। नेक्स्ट, चलो जल्दीबाजी नहीं करते हैं, लेट्स नॉट बी हेस्टी। अभी एक और सेंटेंस था ना कि जल्दीबाजी से रिलेटेड, उसमें भी हेस्टी का यूज किया गया था। अगर आपको बोलना है चलो जल्दीबाजी नहीं करते हैं, तब भी आप क्या बोलेंगे? लेट्स नॉट बी हेस्टी। ठीक है, अब सेंटेंस देखना पड़ेगा क्या था वो, जब रिवाइज करेंगे तो अभी आ जाएगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर चेंज। कितने घमंडी हो आप। वो जो लड़की थी ना, ऐसा शकल बना रखी थी जो टिचके हुए टमाटर की तरह, उसमें हम क्या कहेंगे? कितने घमंडी हो आप। क्या कहेंगे उसको? कितने घमंडी। ये तो उदास हो गया यार, अब मुझे नहीं बनाना आता कैसे वो शकल बनाते हैं, बना लीजिएगा। तो इस प्रकार का जो बंदा दिखे तो हम उसको बोलेंगे हाउ एरोगेंट आर यू, हाउ एरोगेंट आर यू। इससे क्वेश्चन पूछना, हाउ एरोगेंट आर यू यार, यू आर सो एरोगेंट। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे आप कितने घमंडी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। भाई रात के 2 बजने वाले हैं, 1:39 हो गया, अब तो नींद आएगी ही आएगी। तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम फीलिंग स्लीपी, विल स्टडी टुमोरो, कल हम पढ़ेंगे, अभी तो मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। ठीक है, लेकिन ये बात मुझे सोने नहीं देती है। जो जागत है सो पावत है, और जो सोता है वो खोता है। तो इसी फिलोसफी पे जग के रातों को मेहनत करते हैं, इसी फिलोसफी पे जगते हैं, क्योंकि अपनी टैगलाइन ही यही है। क्या है? जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ जीत बातों से नहीं रातों से लड़कर जीतना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप सफल होना चाहते हैं तो बातों से नहीं रातों से जगकर ही हो पाएंगे। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आप लिख लीजिए इसको, जरूर लिख के पढ़िए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? आपके काम आएगी, आपके बच्चों के काम आएगी। और आप पहले से ही बच्चे हैं तो आपके काम की चीज़ है, मस्ट बी नोइंग। क्योंकि इंग्लिश साफ साफ क्या है? संसार की भाषा है। मेरी भाषा नहीं, तुम्हारी भाषा नहीं, भारत की भाषा नहीं, किसकी भाषा है? संसार की भाषा। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश संसार की भाषा है। इसको जो सीख लिया वो सुखी रहेगा, जो नहीं सीखा वो भी सुखी रहे। लेकिन सिचुएशंस हमेशा ऐसी नहीं मिलेगी कि भाई आप कंफर्टेबल रहेंगे। यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो इट मीन्स कि यू आर बेटर देन अदर्स, यू आर अहेड ऑफ अदर्स। ठीक है ना, आप दूसरों से बहुत आगे रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि जो जो मेहनत की जा रही है वो जाया ना जाए। वैसे तो क्लास में जब मैं मेहनत करता हूँ तो जाया नहीं जाया जाता हूँ, मार मार के याद करवा ही देता हूँ, पढ़ा ही देता हूँ। लेकिन यार यूट्यूब पे कौन पीटने आएगा आपको? यूट्यूब पे हम करबद्ध निवेदन कर सकते हैं, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बेटा पढ़ लीजिए। एंड यदि आप मेरे यार दोस्त मित्र हैं तो आप जरूर इन सब चीज़ों को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख पाएंगे उतना ज़्यादा आपका करियर ग्रोथ हो पाएगा मेरे दोस्त। पहले 10 साल का अनुभव है मेरे पास कंपनी में काम करने का, MNC में। तो मुझे मालूम है ना कि इंग्लिश की कितनी ज़रूरत पड़ती है। एंड आप टीचिंग लाइन में भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। जो जितना ज़्यादा इंग्लिश जानता होगा उसको उतना ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो प्यारे दोस्तों, सीखिए इंग्लिश और अपना ख्याल रखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आप तो जरूर सीख लीजिए, जरूर नोटबुक मेंटेन कीजिए। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत याद आऊंगा। जब इंग्लिश तुम्हें रुलाएगी तो
प्रेम सर याद आएंगे और प्रेम ज्ञान ये चैनल बहुत याद आएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। मुझे कोई जरूरी नहीं है, मैं किसी से इतना नहीं रिक्वेस्ट करता भाई, ठोको लाइक सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, शेयर करो, मत करो। आज नहीं करोगे तो आज से 10 साल के बाद आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं ही याद आऊंगा। एंड द चैनल विल कीप ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज माई फ्रेंड्स, दोज हु आर वर्किंग इन कंपनीज, जो अपने करियर के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तब तक तो पता नहीं क्या क्या कंटेंट डाल दूंगा मैं, ज्ञान सागर हो जाएगा ये, प्रेम ज्ञान से प्रेम ज्ञान सागर बना दूंगा इसको। इतने सारे इसमें कंटेंट डाल दूंगा कि आपने अगर चैनल पे एक बार आ गए तो इंग्लिश सीख के ही निकलेंगे, क्योंकि जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से डाल रहा हूँ, मुझे जल्दीबाजी नहीं है। मैं हर एक काम को एक तरीके से कर रहा हूँ, सो डेट कि मेरे बच्चों को मतलब बार इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत ना पड़े। अगर मान लीजिए जो लगातार अभी नई वीडियो देख रहा है, आज से 10 साल के बाद उसका मन बने, आज से 6 महीने के बाद उसका मन बने, तो प्रेम ज्ञान चैनल खोलेगा, डेली सेंटेंसेस निकालेगा, हर दिन पार्ट नंबर 1 करेगा, दूसरे दिन पार्ट नंबर 2 करेगा, इस तरीके से करता रहेगा। तो थोड़ा कैमरे में आके आपसे बात कर लिया जाए, जरा देखिए तो कैसा दिख रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये घर के कोने में बैठे बैठे वीडियो बनाई जा रही है, और पीछे सरस्वती माता हैं अपने, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है, और माता से यही प्रार्थना है कि आशीर्वाद बना रहे। रात हो रही है इसलिए बात हो रही है, पता नहीं क्यों मन कर गया बात करने का, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए भी यही मोटिवेशन है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बातों से मत लड़िए, बातों से बात करके मत प्रूफ कीजिए। क्या करके प्रूफ कीजिए? रातों में मेहनत कीजिए, जिस समय सारी दुनिया सो रही हो उस समय आप मेहनत कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे, ठीक है ना? और ये समय कितना हो रहा है, 1:44 हो रहा है, आई थिंक दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, बट द टाइम इज 1:44 हो रहा है, ठीक है, और 2 बजने वाले हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है, टाइम टेलिंग भी बताया हुआ है इंग्लिश में। तो देखिए हर एक चीज इंग्लिश में ही यूज होनी है, तो डेली यूज सेंटेंसेस यदि आप रोजाना देखते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप अलग से कोई चीज सीखें। तो माँ सरस्वती से यही विनती है, आपको सद्बुद्धि दे, मेरी बात मौके पे समझ में आ जाएगी तो आप जरूर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, जस्ट इट्स माई हैबिट कि मैं वीडियो बनाऊं और लोगों की हेल्प कर पाऊं। आप नहीं सीख रहे, अब मेरे गांव में बहुत लोग देखते हैं मेरी वीडियो, मेरे रिश्तेदारियों में बहुत सारे वीडियो देखते हैं, जिन बच्चों के मेरे भांजे हो गए, मेरे भाई बहन हो गए, और मेरे दूर के बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो इनका इंग्लिश वीक है, वो रोजाना देखते हैं, मैसेज भी करते हैं कि भैया हमने ये लिख लिया है सर, लिख लिया है, तो आप जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, ठीक है? तो आप अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, शुभ रात्रि, अब तो मॉर्निंग हो गया, ध्यान रखिए।